हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। देखिए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास टेंथ का कंप्यूटर का एक बोर्ड का एक पेपर, ठीक है। इस पेपर में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सिलेबस हमारा आपको पता है कि 30% रिड्यूस हो चुका है, 70% सिलेबस आपका आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है और जिसमें 70 मार्क्स के आपका पेपर होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वो इम्पॉर्टेंट होता है आपका सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है तभी आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे आते हुए भी हमसे क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं, यही होता है, पेपर छूट गया या हम पेपर नहीं कर पाए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो जो मेरी फर्स्ट एडवाइस है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि आप मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए, जो 10 ईयर का मॉडल टेस्ट पेपर आता है उसको आप सॉल्व कीजिए। वॉच अपने सामने रखिए, काउंटडाउन लगाइए और कोशिश ये कीजिए कि जो आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है उसको आप मैक्सिमम 2.5 घंटे में उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप 2.5 घंटे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पेपर जो है 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। अब देखिए, अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक ये है आपका कि कंप्यूटर में आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनमें से कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपका जो मेन कुछ टॉपिक्स है जिनको आज मैं लेकर के आया हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। पहला है यहां पर टॉपिक वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या है, आपको पता है वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या होता है यहाँ पर? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इजंट इट। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पर जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं वेब ब्राउज़र, वेब क्या है, वेबसाइट को बिलोंग कर रहा है। वेब जो वर्ल्ड है वो किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है वेबसाइट को। अब आपको वेबसाइट ओपन करनी होती है, तो आप कहाँ पर वेबसाइट ओपन करते हैं और कैसे वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यही सब आप क्या करते हैं, इनको ओपन करते हो और फिर जो ऊपर का जो URL बार होता है वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप टाइप करते हैं अपने जो भी आपके वेबसाइट है, जैसे www.google.com या facebook.com। तो आप जहाँ पर लिखते हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप लिख रहे हो, ये गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है या जिसे हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है, ये जनरली ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका MCQ में क्वेश्चन आता है और MCQ में ये पूछा जाता है वेब ब्राउज़र क्या है, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का। तो आप किसके ऊपर टिक लगाएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे, क्योंकि गूगल क्रोम आप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है वेब पेज बनाने वाली भाषा कौन सी है। अब आपको पता होगा कि वेब पेज हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। पहले जो वेब पेज क्रिएट किए जाते थे वो किस पे किए जाते थे, वो HTML पे किए जाते थे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नोटपैड पे इनकी कुछ कोडिंग होती थी जिसमें सबसे पहले शुरुआत में हम लोग HTML लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, तो इस तरीके से कुछ उनके सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिन्हें हम लोग टैग्स बोलते हैं। उन टैग्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो उन्हीं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज होती है आपकी HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है और आता है रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक एरे एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा। अब आपको पता होगा कि जो एरे होता है वो एरे की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप एरे लेंगे, 5 एरे आपको लेना है, एरे कितने टाइप के होते हैं, एरे होते हैं 3 टाइप्स के, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, मेमोरी को बचाने के लिए, और साथ में वेरिएबल का हमें ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना बने, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एरे का। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एरे को भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, एरे के बारे में भी एक पूरा लेक्चर बनाएंगे, फंक्शन के बारे में भी, क्योंकि बच्चे
सी प्रोग्रामिंग में, जो आप लोगों की टेंथ में जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट या बच्चों को जिनसे डर लगता है जिस टॉपिक से, वो होती है सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सी प्रोग्रामिंग में जो आपका एरे है, फंक्शन है, कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूज रहते हैं और उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है और उनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, इसीलिए वो प्रोग्रामिंग करने से डरते हैं। तो अब नंबर तो लाने हैं भाई, जाहिर सी बात है 70 नंबर का पेपर है, तो 70 में से हर एक की कोशिश यही रहती है कि 60 प्लस नंबर लेकर के आए, 70 नंबर आए। तो जो प्रोग्रामिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप इतने नंबर नहीं गेन कर सकते। फिलहाल आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको एरे, फंक्शन, पॉइंटर, सभी सर्चिंग, सॉर्टिंग, सभी चीज़ों के बारे में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो एरे पूछ रहा है, तो एरे मान लीजिए है ये, यहाँ पर हमने फिफ्थ लोकेशन तक का एरे लिया, यानी 5 नंबर का एरे लिया है। तो एरे की जो शुरुआत रहती है वो 0, 1, 2, 3, 4, अब कितने हो गए, ये 1 लोकेशन, ये 2 लोकेशन, ये 3, ये 4 और ये 5। तो एरे की जो इंडेक्स नंबर होगा, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है, 5 है। तो यही पूछ रहा है, ये एक एरे एनवी लोकेशन, एन मतलब यहाँ पर 5 है या 6 है या 10, जितने भी हम वैल्यू लेंगे, जितने हमें एरे निकालने होंगे उस हिसाब से हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक एरे एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो एरे का इंडेक्स नंबर क्या होगा, यहाँ 5 है और शुरुआत कहाँ से हो रही, 0 से, यानी ये कहाँ पर आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा, n-1, जैसे यहाँ पे 5 है, 5-1 इज इक्वल टू 4, और ये हमने कहाँ से लिया है, 0 से लेकर के 4 तक लिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पर क्या कह रहा है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, MCQ टाइप के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा n-1। अब देखिए थर्ड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर क्वेश्चन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आपके सिलेबस में पहले ही चैप्टर में कम्युनिकेशन मीडिया में आपको मॉड्यूलेशन दिया गया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है, अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जो वेव्स होती है, आप देखते होंगे कि जो सेंडर यहाँ से कुछ भेजता है, सेंड करता है, और रिसीवर जो एक्सेप्ट करता है, तो उसमें कुछ वेव को डायरेक्शन, कुछ उनको कूट लेख जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें हम लोगों के वो जो निकल करके जो आता है, यानी जिस कूट लेख में आपको जो वेव्स होती हैं वो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इसके बारे में भी आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में समराइज होगा। यहाँ पर आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन ग्राहक से, यानी जो सेंडर है और जो रिसीवर है जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो मीडिया कम्युनिकेशन है, तो जो कूट लेख में परिवर्तन होता है और जो यहां से वहां तक सेंड होकर के रिसीव होने तक की जो भी बीच का प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहां पर, इंटरनेट एड्रेस को कितने क्लासेस में बांटा जाता है। अब आपको पता होगा इंटरनेट एड्रेस, यहां पर इंटरनेट एड्रेस का मतलब क्या है, इंटरनेट एड्रेस क्या है हमारा, जो आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देखा होगा आपने, जनरली लिखा रहता है 192.168.10.1 या जो भी आगे लिखा रहता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, क्लास में बटा रहता है, से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो ये हमारे पास में 4 क्लासेस रहते हैं। तो यही है आपका इंटरनेट एड्रेस को कितने पार्ट में बटा जाता है, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये कितने पार्ट में बटा जा सकता है, 4 पार्ट में। एक्सॉर क्रिया को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, अब आपको पता होगा जो हमारे पास में गेट्स होते हैं, ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉर गेट, एक्सॉर गेट, इस तरीके से हमारे पास में गेट होते थे। यहाँ पूछा है एक्सॉर का साइन क्या, तो एक्सॉर का जो साइन होता है वो ये साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पर जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है, कुछ के ऊपर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, इनके बारे में बताइए, इनके बारे में समझाइए, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला है हमारा फुल डुप्लेक्स, ये क्या होता है, तो इसको कुछ हम इस तरीके से समझेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर हम डुप्लेक्स की बात करें, तो डुप्लेक्स हमारा 3 पार्ट में बटा रहता है। पहला होता है हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड वन होता है हमारे पास में फुल डुप्लेक्स। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक वन लाइनर में समझते हैं सिंप्लेक्स क्या है। सिंप्लेक्स यानी कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, हमने यहाँ से अपना डेटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड किया, ये क्या है, ये हमारा सिंप्लेक्स है, यानी डेटा हमारा इधर से इधर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा,
इतनी चीज समझ में आ गई। अब वापस नहीं जाएगा इसका मतलब क्या है, यानी एक तरीके से ये समझिए जैसे आपके एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेडियो का, तो रेडियो जब आप लोग सुनते हैं, एफएम जब आप लोग सुनते हैं, कार में के ट्रेवल कर रहे हैं, एफएम सुन रहे हैं या आप लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, तो क्या होता है रेडियो से जो वो बोल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको आप सुन रहे हैं, आप इधर से कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। मोबाइल में क्या है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, आप इधर से बोल रहे हो, उधर वाला सुन रहा है, उधर वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हो, दोनों तरीके से एक साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन रेडियो में क्या है, एक ही तरफ से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये है, ये कंप्यूटर है, ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, यहाँ से यहाँ हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी यहाँ से ये मैसेज जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये मैसेज नहीं जाएगा। तो ये मैसेज नहीं जाएगा तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिंप्लेक्स हो गया, सिंपल इधर से उधर डेटा जा रहा है, जैसे रेडियो में आप सॉन्ग सुनते हैं। उसी तरीके से हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में यहाँ से डेटा सेंड किया हमने, जब वहाँ पहुँच गया, जब वो कंप्लीट हो गया, तब क्या हुआ, तब उधर से डेटा हमारे पास सेंड होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी का, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब आप इधर से बातचीत करते, इधर से बोलते हैं, तो जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तब क्या होता है, तब उधर से इधर की बात वो हम उनकी बात को सुनते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरफ का कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, तब फिर दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन इधर से आएगा, मैसेज आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये होता है हमारे पास में हाफ डुप्लेक्स, यानी एक तरफ की लाइन क्लियर हो गई तभी दूसरी लाइन इधर से आएगी। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चलता रहता है, जैसे मोबाइल क्या हुआ, इधर से भी डेटा आ रहा है, इधर से भी डेटा आ रहा है, आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। दूसरा है हमारे पास में वैन। वैन क्या है, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ब्रॉड नेटवर्क है, आप कहीं पर बैठे हैं, नेक्स्ट पर्सन कहीं और बैठा हुआ है, वहां से आप इंटरनेट के थ्रू क्या है, कनेक्ट हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वैन नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट के माध्यम, जैसे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन ऑस्ट्रेलिया में बैठा, आप दिल्ली में बैठे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये वैन का ही है। फेसबुक कहीं से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये आपके वैन नेटवर्क का एक एग्जांपल है। थर्ड होता है हमारे पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है आपकी, कोएक्सियल केबल में क्या होता है, कोएक्सियल केबल जस्ट लाइक उसी तरीके से है जैसे वायर होता है, वायर के बीच में एक वायर होता है, पतला सा तार होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक जालीनुमा सिल्वर कलर की एक लेयर होती है, बीच में एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है और ऊपर से तार लिपटा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल बोलते हैं। जनरली जो इसका इस्तेमाल होता है वो आपका इस्तेमाल केबल में होता है, जो आपके घर में सेटअप बॉक्स लगा है, जो केबल लगा है, जिससे आपका टेलीविजन चल रहा है, वो क्या है, वो आपका कोएक्सियल केबल है, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट आता है मोर कमांड। जब लिनक्स की हम लोग बात करते हैं तो लिनक्स आपको पता होगा सीएलआई जीयूआई दोनों पे चलता है, तो जब क्या होता है हमें जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको देखने होते हैं तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, मोर कमांड का, कि हमें और ज़्यादा सिंटेक्स या और ज़्यादा लाइनें जो हमने लिखी हैं वो और दिखाई दे, तो उसके लिए वो टेक्स्ट स्क्रीन को नीचे करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, यहाँ पर जैसे कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें तो हम यहाँ पर कैसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और माध्यम क्या है, इंटरनेट माध्यम है, उसी तरह कम्युनिकेशन मीडिया है, दो तरीके से होती है, वायर और वायरलेस, ठीक है। वायर यानी तार के थ्रू हम आपसे जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वायरलेस क्या है, बिना तार के, जिस समय जैसे मोबाइल है, क्या है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट आता है बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जब हम बाइनरी सिस्टम वाले टॉपिक पे बातचीत करेंगे, चैप्टर जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया बाइनरी नंबर सिस्टम पे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल टू ऑक्टल होता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, उसी तरह बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल में कुछ आपकी वैल्यूज रहती हैं, उन्हीं वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी जीरो और वन, और हम लोग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं, यानी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, तो कंप्यूटर को क्या है, अब हम 0101 लिख नहीं सकते क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज नहीं पता है, और क्या है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं पता, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं पता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो आपने इधर से जो सिंटेक्स दिया उसको चेंज करके क्या करता है, वो कंप्यूटर को बताता है कि ये ऑप्शन दिया गया, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको उसी भाषा में चेंज करके हमें देता है। अब हमें तो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो आपके फिर लैंग्वेज को चेंज करके हमें बताएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका कोडिंग हो गई जो इंटरचेंज करते हैं, तो यहीं पर बाइनरी कोडेड डेसिमल आता है बीसीडी, जिसको चेंज किया जाता है, यानी हम लोग की जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू उसको बाइनरी में चेंज करना, बीसीडी में कुछ कोडिंग होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को चेंज करते हैं।
होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है आपके पास नैंड गेट। तो हमने आपको यहाँ पे बताया एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। तो कॉम्बिनेशनल नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है आपका, वो क्या होता है, नैंड गेट होता है। नेक्स्ट है CLI यानी कमांड लाइन इंटरप्रेटर। अब कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या है, आपको पता होगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले जो चलता था वो CLI चलता था, अब क्या है GUI चलने लगा है। ठीक है, CLI में क्या होता था, कमांड बेस पे काम होता था। जैसे ही आप देख रहे हैं वाइट कलर का बोर्ड है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से हमने क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर लेटर्स ऑफ वर्ल्ड करेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से पहले जो कंप्यूटर होता था उसके ऊपर वॉलपेपर नहीं लगता था, हम लोग पास में कमांड होते थे, जैसे कैट कमांड हो गया, कॉपी कमांड हो गया, आरएम कमांड हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते थे, कमांड होते थे। इन कमांड के थ्रू हम क्या करते थे, हम पूरा जैसे आपको कोई फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कमांड का यूज़ होता था, CD कमांड, MKDIR कमांड, तो हमारी डायरेक्टरी बनती थी। तो CLI मोड क्या हमारा, कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें हम कमांड के थ्रू क्या करते थे, हम लोग फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट ये सब क्रिएट करते थे, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, उस पर हम कमांड के थ्रू काम करते थे। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में वर्ड लेंथ। जितने भी वर्ड पैड पे आप चीजें लिखते हो, लिखने के बाद जो वर्ड काउंट होते हैं वो वर्ड लेंथ कहलाती है। उस पेज में कितने वर्ड हैं वो सब क्या है, वो सब आपके वर्ड लेंथ है, जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। तार संचार, जो केबल के थ्रू आपके पास अलग अलग केबल होती है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कोएक्सियल केबल, उसी तरह फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, अलग अलग केबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग केबल इसलिए क्योंकि हर एक केबल की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर एक केबल की स्पीड अलग अलग होती है। तो तार संचार, जो तार के माध्यम से, जैसे आपके घर में लाइट आती है तो वायर के थ्रू आती है। आप लोग पहले जो टेलीफोन यूज़ करते थे वो क्या है, तार से जुड़े हुए होते थे। ठीक है, अब तो मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई, वायरलेस आ गया, तो तार संचार यही है जो पहले तार के थ्रू हम लोगों का कम्युनिकेशन होता था। नेक्स्ट है एड्रेस क्लास। यही हमने एड्रेस बताया आपको IP एड्रेस के बारे में कि क्लास में डिवाइड रहता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। आगे हम लोग जानेंगे इन क्लासेस का क्या यूज़ है, कैसे एक क्लास को कैटेगराइज किया गया है, कैसे कमर्शियल क्लास होते हैं, कैसे होम क्लास होते हैं। ठीक है, इन क्लासेस के बारे में बातचीत होगी। तो ये एड्रेस क्लास इन्हीं IP एड्रेस को बिलोंग कर रहा है, मैक एड्रेस भी इसी में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा लाइनक्स की विशेषताएं। लाइनक्स की विशेषताएं क्या है, लाइनक्स क्या है, पहली चीज़ तो ये CLI और GUI दोनों मोड पे काम करता है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी इसकी सही है, विंडोज़ को हैक कर सकते हैं, यहाँ पर लाइनक्स को इतना आसानी से हैक करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है लाइनक्स ओपन सोर्स है। ठीक है, आप विंडोज़ को परचेज करते हैं, ठीक है, 4000-5000 रुपीज़ जितने का आ रहा हो उस हम क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, तब हमें लाइसेंस मिलता है और हम इसको क्या करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन लाइनक्स क्या है, फ्रीवेयर है, इसकी कोडिंग अगर जान गए तो हम भी क्या कर सकते हैं, इजीली जान सकते हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं लाइनक्स का। तो लाइनक्स अलग अलग कंपनियां चला रही हैं, जैसे रेड हैट कंपनी है, यूबंटू कंपनी है, अलग अलग कंपनियां हैं जो कि क्या करती है, लाइनक्स को बनाती हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो फ्रीवेयर है, यानी ये सॉफ्टवेयर क्या हमें फ्री में मिलता है, सिक्योरिटी अच्छी है, वायरस प्रूफ है, इसके अंदर वायरस आने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, इसीलिए बैंक, रेलवेज, अलग अलग जगह पर जहाँ पर डेटाबेस का काम होता है वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर लाइनक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, हर जगह लाइनक्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे फोल्डर है उसके अंदर हमने सब फोल्डर बनाया, उसके अंदर और फोल्डर बनाए, तो फोल्डर के अंदर हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे रूम, उसके अंदर दूसरा रूम, उसी के अंदर तीसरा रूम, तो अब क्या क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि रूम के अंदर इस तरीके से रूम है। तो इधर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर फोल्डर, यानी पेरेंट डायरेक्टरी, फिर चाइल्ड डायरेक्टरी, फिर चाइल्ड सब डायरेक्टरी। तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रूथ टेबल, जो इनकी टेबल्स होती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉट की ट्रूथ टेबल। तो नॉट में क्या है, 0 1 1 का होता है 0, 0 मतलब क्या हो गया, 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। तो ये हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, अलग अलग ट्रूथ टेबल, एंड की अलग ट्रूथ टेबल होती है, और की अलग होती है, नॉट की मैंने बताया, नॉर की अलग है, एक्सॉर की अलग है, नैंड की अलग है। तो ट्रूथ टेबल जब हम यहाँ पर गेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और ट्रूथ टेबल को और ज़्यादा ब्रीफली जानेंगे। तो ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, जो आपके शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए CUI मैंने डिस्कस किया, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका GUI। GUI यानी ग्राफिकल यूज़र एक्सेस, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिक में क्या होता है, CUI में आप क्या करते हो, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप कमांड
यानी करेक्टर के ऊपर हम लोग काम करते हैं, करेक्टर हम लोग देते हैं, कमांड हम लोग देते हैं। जैसे टाइम देखना है तो TIME कमांड दिया, इंटर किया तो हमारे पास टाइम लिख करके आ जाता है। फाइल बनाने के लिए MKDIR का यूज़ करते हैं तो हमारी फाइल बनती है, ठीक है। फोल्डर जिसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, डायरेक्टरी बनती है। अभी क्या है, टाइम नीचे टास्क बार में नीचे टाइम कॉर्नर पे आता रहता है। तो क्या ग्राफिक्स है, हम लोग वॉलपेपर लगा सकते हैं, एक समय में कई काम कर सकते हैं, यानी सॉन्ग भी सुन सकते हैं, डाउनलोडिंग भी लगा सकते हैं, कोई फाइल भी कॉपी कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं, तो कई काम कर सकते हैं। पहले क्या CLI मोड पे था, कमांड पे था, एक बार में एक ही काम होता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये, कमांड हमें सारे याद होने चाहिए, अगर हम कोई कमांड भूल गए तो क्या होगा, तो हम उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल में वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, फाइल फोल्डर भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक विंडोज़ OS, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे लिनक्स उसी तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि क्या है, GUI है। पहले विंडोज़ 95-98 जो CLI बेस पे आते थे, उसके बाद फिर विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, तो इस तरीके विंडोज़ आ गए, जिनमें क्या हुआ, हम लोगों का ग्राफिक एनिमेशन होता गया और क्या हुआ, हम लोगों का वर्क आसान हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बेसिकली पहले भी बताया था और एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेन हमारे कंप्यूटर का मेन यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आप कंप्यूटर ब्लैंक खरीद के ले आइए, आप खाली जमीन परचेज कर लीजिए, क्या उसके ऊपर हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते। उसी तरह अगर आप खाली कंप्यूटर लेकर के आते हैं और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या है, आप कोई काम कर सकते हैं, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेट, ऑपरेट यानी करना, ऑपरेट यानी चलाना, तो चलाने वाला जो सिस्टम यानी कंप्यूटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क यानी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाएगी। जैसे लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, अलग अलग नेटवर्किंग के ऑप्शन है हमारे पास में। लोकल एरिया नेटवर्क से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो लैन हो गया, कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो वो वैन हो गया। मेट्रोपॉलिटन्स में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी एक ऑफिस के, एक सिटी में 10 ऑफिसेज हैं, उन 10 ऑफिसेज को हमने जोड़ा तो वो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। अलग अलग सिटीज़ में ऑफिसेज हैं वो सब जुड़े हुए हैं तो मैन हो गया। पैन भी इसी तरीके से होता है, तो अलग अलग नेटवर्किंग से यानी आपस में जुड़ना हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। लास्ट वन हमारे पास में यहाँ है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने इंटरनेट वाले टॉपिक्स पे चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और WWW क्या है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी भी वेबसाइट है वो सब किससे अटैच रहती हैं, WWW से, यानी जितने भी डोमेन है, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सब किससे अटैच होता है वेबसाइट, ये सारी आपकी WWW से अटैच रहती है। इसके नोट्स आपको हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके इस बार UP बोर्ड के 2021 के पेपर में पूछे जाएंगे, तो इन सारे टॉपिक्स को कायदे से तैयार कर लीजिए, इन सारे टॉपिक्स को रट लीजिए। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पर आपको कुछ लघु उत्तर यानी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।